वेलकम बैक ऑल स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्चुअल पैसिव और सभी टेंसों के लिए इंपॉर्टेंट है। पर्सन प्रोनाउन जैसा कि आप लोगों को पिछले एक्चुअल पैसिव के बता चुके हैं, फर्स्ट पर्सन से आई मी वी एस, सेकंड के यू यू, थर्ड के ही मी सी हर दे देम इच इट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, हिंदी में आप लोग जानते हैं, चुका चुकी है या ये शुरुआत में आते हैं, एक वचन कर्ता के साथ है तथा बहुवचन कर्ता हैव का प्रयोग करते हैं, क्रिया की तीसरी अवस्था में आते हैं। और पैसिव वॉइस का क्या रूल है कि ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन कॉमा हैव बीन प्लस वर्किंग थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। एक्टिव देखिए, इसका रूल है ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन कॉमा हैव बीन प्लस वर्किंग थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए, आई हैव कॉल्ड देम, आई हैव कॉल्ड देम। पेशवाइज देखिए देम, इसमें ऑब्जेक्ट देम, जब देम का मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा दे, आप लोगों को यहां दिखाई पड़ा है, देम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा दे, दे, दे कितने वचन है, एक वचन है बहुवचन, दे आई वी यू दे, तुम हम वे, लड़के लड़कियां बच्चे खिलाड़ी आप, कितने वचन है बहुवचन, तो बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगेगा हैव बीन, तो क्या होगा दे हैव बीन। फिर कह रहा हुआ कि थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिक इसमें दी होगी कार्ड, फिर बाई। अब देखिए सब्जेक्ट क्या आई, आई का जब बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट तो क्या होगा मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा मी। अगला देखिए वॉइस कि सीता हैज नॉट डन द वर्क, सीता कार्य नहीं कर चुकी है तो क्या होगा पेशी वॉइस, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा द वर्क, द वर्क एक वचन है तो क्या होगा है, एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, हैज नॉट और बीन। डन ऑटोमेटिक दिया हुआ है, डन बाई, अब नाउन है सीता, किसी का नाम तो चेंज नहीं होता तो क्या होगा सीता। अगला देखिए प्रश्नवाचक जैसे हैज मोहन, हैज मदर, मदर कर लीजिए, हैज मदर बीटन यू, क्या माता जी आपको पीट चुकी है या क्या माता जी तुम्हें पीट चुकी है। पेशी वाइज माता जी की तो एक वचन आया, अब जब यू ऑब्जेक्ट है, यू को मैं सब्जेक्ट बनाएंगे, जब यू का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही होगा, यू के साथ क्या प्रयोग करेगा यू बहुवचन है इसलिए क्या लगेगा है, तो क्या होगा हैव यू, हैव यू बीन, बीट फिर वर्ड के थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, बाई क्या है मदर, तो क्या होगा बाई मदर। एक बार फिर ध्यान दें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन कॉमा हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। एक्टिव वाइज एग्जांपल है कि आई हैव कॉल्ड देम, तो देम का जब हम बनाएंगे अब सब्जेक्ट तो क्या होगा देम का क्या होता है देम क्या होगा दे, देम का आप लोग देख लीजिए दे होता है, तो दे बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन, दे हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई, आई का क्या होगा मी, कि सीता हैज नॉट डन द वर्क, द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द वर्क एक वचन है तो हैज निगेटिव है तो नॉट बीन डन थर्ड फॉर्म दी हुई है बाई सीता। प्रश्नवाचक ध्यान देंगे हैज मदर बीटन यू, इसमें यू, यू ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, यू बहुवचन है इसलिए बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैव यू बीन,
रीजन ऑलरेडी दी हुई है बाई मदर। आशा करते हैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, आप सभी लोग जानते हैं। मिलेंगे आपको पास्ट इंटरमीडिएट में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।